जो वर्तमान में 5 बांध ललितपुर में बन रहे हैं उनमें बांध बन गया, जो 60 करोड़ रुपए से जिन बांधों को बनाने वो 500 से 600 करोड़ तक का उनका बजट पहुंच गया, और हर बजट में किसानों की देनदारियां शामिल होती हैं, जो योजनाएं और चल रही हैं झांसी जिले में हैं पथराई और लखेरी और आपका पहुंच। एक और मैं बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं कि जो पहुंच पर पुनरोद्धार किया गया है उसमें COT की जगह जहां पे काली मिट्टी भरना थी वहां पे पत्थर भरे हुए हैं, काली मिट्टी उसमें नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि उसकी जांच अगर किसी ईमानदार एजेंसी से कराई जाए और अगर उसमें काली मिट्टी निकल जाए तो जो सरकार सजा दे मैं उस सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ। जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, एक है लखेरी बांध का बचेरा और बुढ़ाई गांव, बांध भर दिया है, बुढ़ाई गांव को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया है। बुढ़ाई डैम 65 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ था और 500 करोड़ की लागत क्रॉस कर गया है, लेकिन अभी भी किसानों की देनदारियां बाकी हैं, तो अनुकंपा राशि बांट दी गई। बचेरा के मुन्ना कहाँ है, वो कहाँ है पाल? ये आप लोगों के हिसाब से कितने वर्ष का होना चाहिए? 45-50। इनके सारे कागज जिनको बांटे गए जिला प्रशासन, राज्य सरकार और तहसील प्रशासन, इनका ये ढूंढे के ये लोग हैं कहाँ के जिनके कागज लगे हुए हैं, जिनको अनुकंपा राशि का वितरण किया गया, ये वो लोग हैं जिनको अनुकंपा राशि चाहिए। इनमें कागजों की में क्या कमी है हमें वो बता दे सरकार। और ये खेल एक गांव में नहीं होता है, हर बांध में और हर गांव में यही खेल होता है, कोई किसी की सुनता नहीं है। और एक कितने नंबर का 46 नंबर का पात्र जो जिसको 3 लाख रुपए बांटे गए हैं, प्लॉट दिया गया है, उसके तो कागज ही नहीं है जो इन्होंने ITI में मुझे दिया, उसके तो कागज ही नहीं है। अब ये कैसे हुआ ये विभाग जवाब दे। पथराई बांध में इस व्यक्ति को SDM लिख रहा है कि वहां का है गांव का, तहसीलदार लिख रहा है गांव का है, प्रधान लिख रहा है गांव का है, सारे कागज हैं, जो उन्होंने मांगा वो है। और 10 साल से ऐसे 10 लोग घूम रहे हैं, इनको अभी तक क्यों नहीं दिया गया? अच्छा ऐसा भी कुछ कहा है कोई एरिया विशेष उनका डूब क्षेत्र में रहा है? ना ना, वो उसी गांव को विस्थापित किया भाई, वो गांव पूरा विस्थापित किया, पूरा बचेरा गांव को विस्थापित किया। बचेरा गांव विस्थापन में ये है, ये परब वो है, इसका नियम ये है कि बाप गया, बाप को प्लॉट मिला और अनुकंपा राशि और जो भी उसका बना वो मिला।